Hello everyone, let's start with exercise 3.4, that is the last exercise of chapter 3. So in this it says state whether true or false all rectangles are squares. तो थोड़ा सा ना हम इनको समझ के करेंगे. जैसे कि आपको पता है रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है जिसका एंगल क्या होता है 90 डिग्री ईच. अब दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है. अब स्क्वायर भी हमारा पैरेललोग्राम है, उसके भी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं और साइड सारी इक्वल होती हैं. तो साइड्स में डिफरेंस है. रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल. तो ऑल साइड्स जब इक्वल हैं तो आपस में इनका रिलेशन बन सकता है, नहीं बन सकता. रेक्टेंगल्स क्या सारे स्क्वायर हो सकते हैं, नहीं हो सकते. सो द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. तो हमें ये चीज़ समझ के चलनी है, इनके प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, तभी आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम, ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम. स्टेटमेंट तो ट्रू है, क्यों ट्रू है वो देखते हैं. रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, ऑल साइड्स आर इक्वल. और दूसरी चीज़ उन्होंने क्या बोला है, पैरेललोग्राम होता है रोम्बस. तो यस, रोम्बस एंड पैरेललोग्राम हैव देयर ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल. दोनों के इक्वल साइड्स हैं और पैरेलल हैं वो आपस में. तो यस, स्टेटमेंट इज़ ट्रू. सी पार्ट में चलते हैं. सी पार्ट में हमसे बोला गया है कि इट इज़ ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड आल्सो रेक्टेंगल्स. ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड आल्सो रेक्टेंगल. तो स्टेटमेंट तो ये ट्रू है, वो देखो कि कैसे ट्रू है. सारे स्क्वायर रोम्बस हो सकते हैं. कैसे हो सकते हैं, क्योंकि रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है, स्क्वायर की भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं. और उन्होंने बोला कि स्क्वायर्स रेक्टेंगल्स भी हो सकते हैं. येस दे कैन बी, क्योंकि रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 होते हैं, स्क्वायर के भी एंगल 90 हो सकते हैं. सो ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल. स्क्वायर रेक्टेंगल बन सकता है लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं बन सकता. ऑल स्क्वायर्स, डी पार्ट चेक करते हैं. ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स, मतलब कि सारे स्क्वायर्स पैरेललोग्राम नहीं होते. तो आपको क्या लगता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? मेरे हिसाब से तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है. वाई? बिकॉज स्क्वायर जो होता है वो एक पैरेललोग्राम तो है जिसके सारे एंगल्स 90 होते हैं एंड ऑल साइड्स आर इक्वल. बट जो स्क्वायर है और पैरेललोग्राम है, देयर ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. सो वी कैन से दैट दिस इज़ नॉट पॉसिबल. दे आर पैरेललोग्राम होते हैं, नॉट नहीं आना चाहिए था यहाँ पे. ऑल काइट्स आर रोम्बसेस, सारी काइट्स जो हैं वो हमारी रोम्बसेस हैं. सारी काइट्स रोम्बसेस नहीं हो सकती, और वो कैसे नहीं हो सकती वो देखो, क्योंकि काइट जो होता है उसकी कॉन्जिक्यूटिव साइड्स इक्वल होती हैं. जैसे अगर हम काइट बनाएं तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब ये दो इक्वल होंगी और नीचे की दो इक्वल होंगी. और रोम्बस जो होता है वो हमारा पैरेललोग्राम होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं. तो आपस में कोई कनेक्शन नहीं है इनका. सो द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स अगेन. नेक्स्ट आपको 6 वाले में दिया हुआ है ऑल रोम्बसेस आर काइट. सारे रोम्बसेस क्या होते हैं, काइट हो सकते हैं. पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रोम्बस जो है ना हमारा वो ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी साइड्स इक्वल है. काइट ऐसा है जिसकी कॉन्जिक्यूटिव साइड्स इक्वल हैं. तो येस, इफ़ कॉन्जिक्यूटिव साइड्स आर इक्वल इन रोम्बस देन रोम्बस कैन बी अ काइट. सो दिस इज़ ट्रू. उल्टा पॉसिबल नहीं है, काइट कभी रोम्बस नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे तो सारी साइड्स इक्वल थी रोम्बस की, तो वो काइट बना सकता है. लेकिन काइट जो है उसकी कॉन्जिक्यूटिव साइड्स इक्वल होती है, वो रोम्बस नहीं बना सकता. नेक्स्ट है ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम. पैरेललोग्राम क्या कभी ट्रेपेजियम बन सकता है, ये क्वेश्चन है आपका. तो पैरेललोग्राम हमारा कभी भी ट्रेपेजियम नहीं बन सकता है. सॉरी, इट कैन बी अ ट्रेपेजियम. कैसे होता है वो देखते हैं. तो यहाँ पे ट्रेपेजियम जो है उसके पास एक पेयर होता है ना ऑपोजिट साइड का, मतलब पैरेलल होता है. पैरेललोग्राम में दोनों ही पेयर पैरेलल होते हैं. तो अगर इसके पास दोनों पेयर है पैरेलल के और इसके पास एक पेयर है पैरेलल का, सो इट कैन फॉर्म अ ट्रेपेजियम. दिस इज़ ट्रू. ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम. सारे स्क्वायर्स क्या ट्रेपेजियम हो सकते हैं? सो स्क्वायर कैन बी अ ट्रेपेजियम. कैसे? ट्रेपेजियम के पास क्या होता है, वन पेयर ऑफ, हमें ना एक करेक्टर ऐसा देखना है इनका जो इक्वल हो या कुछ ऐसा हो, कॉरस्पॉन्डिंग हो. वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल इन ट्रेपेजियम एंड स्क्वायर में तो सारे एंगल्स और साइड्स इक्वल होते हैं और एक पेयर पैरेलल भी, मतलब दो पेयर पैरेलल हो सकते हैं इसमें, तो इस वजह से दिस इज़ ट्रू अगेन। तो मैक्सिमम फर्स्ट वाले के पास होना चाहिए, मिनिमम सेकंड वाले के पास होना चाहिए, तो ट्रू होगा, अदरवाइज इट वॉन्ट बी ट्रू। सो यस, वी आर डन विद फर्स्ट क्वेश्चन, नाउ विल बी स्टार्टिंग विद द सेकंड वन।